हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी के बने बेल आइकन को ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो की अपडेट ऐसे ही सबसे पहले मिले, वो भी बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं कि 2.37 करोड़ आवेदनों में से किस तरह से 90,000 पदों के लिए सीट भर जाएगा, इस प्रक्रिया को बताएंगे। दोस्तों ये न्यूज़ जो कि अमर उजाला निकला है, दोस्तों आपको सभी दिखाएं, लेकिन दोस्तों आपको न्यूज़ को पूरी डिटेल में बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लो, बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों यहाँ पर चलिए आपको दिखा देते हैं, 2.37 करोड़ आवेदकों में से ऐसे भरे जाएंगे रेलवे 90,000 पद जान ले भर्ती की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि भारतीय रेलवे में निकली 90,000 भर्तियों के लिए कुल 3.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से परीक्षा शुल्क भुगतान करने वाले 2.37 करोड़ भर्तियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखा जाए तो करीब 1 करोड़ आवेदन रद्द हुए हैं। इसकी खास बात यह है कि इस परीक्षा के साक्षात्कार नहीं होंगे और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आंसर की को अपलोड किया जाएगा। दोस्तों आगे भी आपको दिखा देते हैं इसमें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्विनी लोहानी खुद इस परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि परीक्षा को लीक प्रूफ रखने के लिए कई तरह के उपाय किए जाएंगे। आवेदन परीक्षा के लिए करीब 1,000 प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। सभी पदों के लिए 2 चरण में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले चरण की परीक्षा अगस्त तक होगी, हालांकि अंतिम परिणाम की घोषणा अगले साल मार्च में की जाएगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें महज चंद घंटों में परिणाम आ जाएगा। पहले परीक्षा की प्रक्रिया में करीब 2 महीने तक वक्त लगता था। मंत्रालय का कहना है कि इस परीक्षा में से करीब 10 लाख पेड़ को बचाया जाएगा। यदि पारंपरिक तरीके से परीक्षा होती तो इतने कागज के लिए 10 लाख पेड़ कुर्बान हो जाते हैं। दोस्तों इसके लिए पेड़ भी काटे जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। और आगे दिखाते हैं, मंत्रालय ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा से पहले आवेदकों को एक मॉक टेस्ट का मौका दिया जाएगा ताकि वह पूरी प्रक्रिया से परिचित हो सके। इनका कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा से आवेदकों की यह चिंता भी दूर हो जाएगी कि उनकी फाइल जमा हुई या नहीं। इतना ही नहीं, आवेदकों को लगता है कि उनका उत्तर गलत है तो उसे सही भी कर सकता है। आवेदकों को भर्ती के विभिन्न चरणों में MMS और ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।